सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम माय फ्रेंड। किसी बच्चे ने पूछा कि सर कब आने वाले हैं। सर आने वाले हैं क्योंकि आपके लिए बहुत सारे चीज जो लाना था, तो रास्ते में वही ढूंढ रहा था कि कहाँ पे आपके लिए बहुत सारे चीज, बहुत सरप्राइजिंग चीज मैं लेकर आ सकता हूँ। क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो सर्कुलर ट्रैक प्रॉब्लम है, और सर्कुलर ट्रैक प्रॉब्लम का जो भी सवाल आए हैं उसको करने का प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जिनमें से बहुत सारी चीज शायद ही आप पहली बार सीखने वाले हो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, एंड दोज थिंग्स आर वेरी वेरी यूजफुल। ऑल्दो आई एम गोइंग टू शेयर माई शॉर्टकट्स, माई टेक्निक विथ यू इन यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स का, CSIR NET from June 2021, they have started giving circular track problem. So very good afternoon, my friend. Very good afternoon. Welcome China. Welcome Pooja. Mathematics lover Ayana. Then Bio Guru Isha. क्या बात है? Priyanka Rathore, Dali Thakur, Ayana Siddiqui, Biology Study, Priya Gupta, Lisa. Warm welcome to all of you in our live session. We are going to cover circular track problem. Yani circular track ke upar jab koi cheez moving hota hai, speed, distance, time arise karte hai. Aapko pata hai koi bhi cheez move karne lagte hai, tino property ka janam hota hai. Ek speed hota hai, ek distance hota hai aur teesra time hote hai. Hai na? To jitna bhi sawal aaj tak hum logon ne kiya mere dosto, wo sare question linear track ka tha. चाहे आप ट्रेन का सवाल करो वो भी लीनियर ट्रैक का है ना। ऐसे सवाल आप बहुत तमाम बार बहुत सारे टाइम कर चुके हो। ऐसे सवाल होता है ट्रेन भी जा रहा है उसके साथ साथ एक आदमी भी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है। इन सारे चीजों को भी बारे में आपको पता है। उसके साथ साथ बहुत बार आप बोर्ड प्रॉब्लम करता हूं मैं देखता रहता हूं, आप लोग बोर्ड प्रॉब्लम बहुत पसंद करते हो। लेकिन दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम जो है ये तो ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी नया प्रॉब्लम आने लगे हैं, एंड मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो सवाल भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, मार्क्स लेकर आ पाओगे, है ना बेटा। मेन टारगेट तो वही है ना कि ताकि मार्क्स आ जाए, ताकि कर पाए हम एग्जाम हॉल में। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम, है ना। चलिए वेलकम। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन कुछ ऐसा है मेरे दोस्तों, सर्कुलर रेस ट्रैक कुछ इस तरीके से होता है। इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टू टेल यू, सी रेसिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक मींस रनिंग ऑन सर्कुलर पाथ। ऑब्वियस बात है, सच दैट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट कोइंसाइड विद ईच अदर। ऑब्वियस बात है, सर्कुलर ट्रैक में आपको पता है कि लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर रनिंग थ्रू दिस ट्रैक, दिस विल बी द एंड पॉइंट ऑल्सो, राइट, फॉर बोथ ऑफ द पर्सन। Let two athletes, now two athletes U and B started running on a circular track, जिसका एक length आप देख सकते हो L meters from a same starting point P है, and speed of U is U meter per second and that of B is B meter per second. Obviously मैं ये आपको बयां करने वाला हूं, दोनों athletes हैं, मानिए दोनों ही दौड़ने वाले हैं, एक capital U है एक capital V है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों एथलीट्स दौड़ने वाले हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, पहले समझो कि इस स्थिति में मैं अगर क्वेश्चन सेटर हूं मैं क्या क्या सवाल बना सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एथलीट्स वन यू और भी जो ट्रैक में दौड़ने वाले हैं उस ट्रैक का लेंथ कोई अलग नहीं होगा। तो सबसे पहले ये फैक्ट समझ लीजिए, कोई भी चाहे सर्कुलर ट्रैक प्रॉब्लम हो, ट्रैक लेंथ कॉन्स्टेंट होगा फॉर बोथ द लर्नर। ट्रैक लेंथ जो है दैट वुड बी सेम फॉर बोथ द रनर, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो यू आर टॉकिंग अबाउट टू ऑफ द थिंग्स, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट टू ऑफ द थिंग्स, जहां पे दोनों रनर जो है दौड़ने वाले हैं तो दोनों ही मूविंग है तो दोनों का ही स्पीड आने वाले है। लेकिन स्पीड के साथ साथ आपको पता है कि और दो कंसेप्ट भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आ जाता है। एक होता है मेरे दोस्तों डिस्टेंस और दूसरा होता है टाइम। डिस्टेंस यानी कौन सा डिस्टेंस, किसी स्पीड में कोई दौड़ने के बाद जितना डिस्टेंस तय करता है वो वाला डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को तय करने के लिए कोई टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्थिति बन सकता है।
पहला स्थिति समझने से पहले ये समझ लो कि ट्रैक लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा। ट्रैक लेंथ जो घूम रहे हो, मानो 800 मीटर का रेस है या 100 मीटर का रेस है, यस और नो मेरे साथ साथ कहिए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि ट्रैक लेंथ कांस्टेंट है ना, ट्रैक लेंथ कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखो, है ना, ये बहुत काम पे लगने वाले है आपके सवाल करने के टाइम में। स्पीड ऑफ यू, ऑब्वियसली दोनों चीज मूविंग है तो मान के चलता हूं कि इसका स्पीड स्मॉल यू मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड स्मॉल भी मीटर पर सेकेंड है ना। सो ये यूनिट्स जो है वो भी देखिएगा, ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, और ट्रैक लेंथ जो है मान के चलता हूं किसी मीटर यूनिट में वो बात हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस गुड, फाइन। तो सेटअप क्या हो गया सर? दोस्तों ये समझ में आ गया कि सर ट्रैक लेंथ में स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है फिनिशिंग पॉइंट भी वही होता है एक ट्रैक में जब आप भाग रहे हो। अगर दोनों रनर दौड़ रहा है उस ट्रैक के ऊपर तो दोनों का स्पीड मानो अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो स्थिति मैंने कहा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मानिए भाग रहा है तो ट्रैक लेंथ बेटा हमेशा सेम रहेगा, तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आ गया, ट्रैक लेंथ सेम आएगा, है ना, यस ट्रैक लेंथ इज हमेशा कांस्टेंट। नाउ माय फ्रेंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एक सवाल हो सकता है कि बहुत आसान है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट में पहले कौन पहुंचने वाला है। ऑब्वियस बात है सर, अगर यू ग्रेटर देन वी है तो जिसका स्पीड ज्यादा है वो ट्रैक पहले खत्म करेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब इससे अच्छा क्वेश्चन क्या बना सकता हूं मैं, इससे अच्छा क्वेश्चन ये बना सकता हूं कि कितना टाइम के बाद दोनों का ही मिलन स्टार्टिंग पॉइंट में होगा, जो कि बहुत आसान है, एक एलसीएम का एप्लीकेशन है। मैं धीरे धीरे ये सारे सवाल का जवाब आपको बताते जाऊंगा, बट पहले समझिए कि स्थिति क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन कैन हैपन माई फ्रेंड कि दोनों ही रनर दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद फर्स्ट टाइम मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना है ना। सो मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक स्थिति हो सकता है। ऐसा सवाल आपने प्रीवियस ईयर्स ने देखा होगा, है ना, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है फिर से दौड़ना शुरू एक साथ किया है ना, तो दौड़ना शुरू करने के बाद कब जाके फिर से दोनों मेहमान स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मुलाकात करने वाले हैं, दोनों रनर स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ मुलाकात करने वाले हैं, राइट माय फ्रेंड, इट कैन बी अ वैलिड क्वेश्चन, है ना। अगर मैं आपको इस सवाल से एक सवाल बना के दूं, मानो ये एक सर्कुलर ट्रैक है ना, मानो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर दो रनर भाग रहा है सेम डायरेक्शन में, है ना, एक ए है और दूसरा बेचारा बी है। ए जो है ना, ए इस पूरा ट्रैक लेंथ को 9 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं और बी जो है ना बेटा, ये पूरा ट्रैक लेंथ को 6 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं, है ना। स्पीड मैंने नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि ट्रैक लेंथ का लेंथ तो सेम है। अब जो पहला है ए, वो 9 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं और बी जो है वो 6 सेकेंड में कंप्लीट करता है। क्या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट में कितना सेकेंड के बाद दोनों का मुलाकात होगा, बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। We'll get into deep, ठीक है, हम सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसके विचार इतना इंपॉर्टेंटली करेंगे ताकि सवाल चाहे कुछ भी बनाए, CSIR NET ऐसा एग्जाम नहीं है जो सेम सवाल रिपीट करते हैं। They are going to ask you a new kind of question. I'll prove it by the end of this session using our previous year's questions. Very good, बहुत अच्छा संजीव। सारे स्टूडेंट बताइए, एक रनर 6 सेकेंड में ट्रैक कंप्लीट कर रहा है और दूसरे रनर ने 9 सेकेंड में ट्रैक कंप्लीट किया, तो कितना सेकेंड के बाद दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट में मुलाकात करेगा। वेरी गुड, द आंसर इज 18 सेकेंड, यस द एलसीएम ऑफ दिस टू। इतना सबको समझ में आता है, देखिए इतना सा बात है, कंसेप्ट यही है ना, कितना सेकेंड के बाद मुलाकात करेगा सर दोनों का एलसीएम, क्योंकि हर 6 सेकेंड के बाद बी स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, तो 6 2 12, 6 3 13, 18 सेकेंड के बाद भी बी यहाँ पे आएगा और हर 9 सेकेंड के बाद ए आएगा, तो 9 9 1 9, 9 2 18, तो 18 सेकेंड के बाद ए भाई साहब भी यहाँ पे आएगा। वो अलग बात है कि ये 2 बार क्रॉस करेगा और ये 3 बार क्रॉस करेगा, इस अलग बात पे थोड़ा फोकस किया जाए, ये अलग बात पे थोड़ा फोकस किया जाए। मेरे दोस्तों ए ने 2 टाइम्स राउंड लगाया और बी ने 3 टाइम्स राउंड लगाया,
तो इस अलग बात पे अगर आप थोड़ा फोकस करते हो तो ये नजरिया आपके सामने आता है कि सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स दे मीट बिफोर स्टार्टिंग एट द मीटिंग पॉइंट। हाउ मेनी टाइम्स दे क्रॉस ईच अदर और मीट, हाउ मेनी टाइम्स दे मीट, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स दे मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये बात देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने बार मिलने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले, कितने बार मिलने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले। तो यहां पे आप देखिए, मैं दाहिने तरफ बता चुका हूं कि एक जो है ए वो 9 सेकंड में कंप्लीट करता है और दूसरा जो है 6 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो 18 सेकंड के बाद दोनों का मुलाकात होगा, ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हम ये देख सकते हैं कि इस मुलाकात होने से पहले बी बेचारा कितने बार घूम रहा है और ए बेचारा कितने बार घूम रहा है। तो आपको अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि ए और बी कितने बार एक दूसरे के साथ मिल चुका है, ये बात देखिए, तो सबसे जरूरी बात जो हो जाएगा कि ट्रैक का लेंथ क्या होगा। मेरे दोस्तों क्या यह बात समझ में आ रही है आपको कि 9 सेकेंड में एक कंप्लीट कर रहा है और एक 6 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है ना, ट्रैक लेंथ चाहे जो भी हो। तो अल्टीमेटली दो टाइम्स जब ए क्रॉस करेगा और तीन टाइम्स बी क्रॉस करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कितने बार ये लोग मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जा सकता है? सर आप तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, एक्चुअल तो टीचर का काम वही होता है, ऐसा सवाल पूछा जाए कि बच्चे सोचने लगे। मेरे दोस्तों यही दो सवाल आए हैं, आते हैं, कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, लिख लीजिएगा। आई थिंक आई नीड टू हाइड माई सेल्फ आफ्टर वर्ड्स, प्लीज राइट डाउन वॉट एवर इज रिटन ऑन द बोर्ड। वेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टेलकुलर ट्रक बाय स्पीड। ऑब्वियसली आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, सबको पता है कि नहीं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ऑब्वियस बात है कितना टाइम वक्त लग रहा है वो कर क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक का लेंथ डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल रनर स्पीड। अब मानिए टाइम टेकन बाय यू एंड वी टू कंप्लीट वन राउंड अगर देखू तो एल बाय यू होगा और एल बाय वी होगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में 6 सेकंड और 9 सेकंड था। मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं ये आपको दे दिया था, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रैक लेंथ पता है ना, ट्रैक लेंथ पता है और U भी यानी स्पीड पता है, तो ऑब्वियसली आप ये वक्त निकाल सकते हो, यस और नो। तो अगर किसी सवाल में ऐसा स्थिति है, ट्रैक लेंथ पता है और स्पीड भी पता है, तो बहुत आसान सवाल है। क्यों? उससे आप निकाल लोगे कि कितना वक्त इसको लगेगा और कितना वक्त इसको लगेगा, और जिस वक्त पे आपके पास दोनों का वक्त है तो आपका वक्त अच्छा चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हर वक्त वक्त इतना अच्छा नहीं चलेगा, वो स्थिति मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि अल्टीमेटली जो एलसीएम ऑफ दिस टू थिंग्स, दिस इज द आंसर, एलसीएम ऑफ एल बाई यू और एल बाई वी, दिस शुड बी द आंसर। नोट डाउन कर लिया आपने? इज इट ऑल राइट? गुड, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइडिया, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइडिया Where I'll give one example. तो देखिए, अगर दो के जगह पे तीन रनर होता है तो भी डरने का कोई बात नहीं है बेटा, बात सेम ही है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। अगर तीन रनर आएगा, कोई 6 सेकेंड में जाता है, कोई 9 सेकेंड में जाता है और कोई 12 सेकेंड में जाता है, तो तीनों रनर का जो टाइम है, टाइम का एलसीएम, ध्यान रखिएगा, दीज आर टाइम टेकन बाय द रनर्स, उनका एलसीएम आपको कह देगा कि व्हेन दे आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पहली बार कब मिलने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का वक्त का एलसीएम के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है चलो एग्जाम्पल देख लेता हूं। मानो यू 8 मीटर पर सेकेंड है, बी 5 मीटर पर सेकेंड है और डब्ल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है और लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर है। देन ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कुड यू टेल मी आर यू गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट? जल्दी से मुझे बताइए जवाब आ रहा है आपको, 400 सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूं टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम LCM of this by this, this by this and this by this, you will get the answer. So I'm not going to waste time on this simple thing. Let us try to understand the second idea. This is very important. When will they meet for the first time on the circular track? Not necessarily at the starting point. This is second kind of question. That means when they are going to meet with each other. When they are going to meet with each other for the first time. तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मेरे दोस्तों, अगर ये आपका सर्कुलर ट्रैक है और वहां पे दो रनर दौड़ने वाले हैं, मानो ए है और मानो बी है, तो ए का मानो 6 सेकेंड में कंप्लीट करता है, बी मानिए 9 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो ऑब्वियस बात है जो 9 सेकेंड में कंप्लीट करता है वो जरूर जरूर ए को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ए जो स्लो डाउन है, बी पीछे है, तो बहुत बार ऐसा होगा स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट में इसको मुलाकात करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, मानिए मान के चलिए कि ये बेचारा ए जो है ये 6 सेकेंड में कंप्लीट करके यहां पे खड़ा है ना, ए यहां पे खड़े हैं। अब बी जो है, बी इस तरफ जब जाने लगेगा, बी को 9 सेकेंड लगेगा यहां से आने पे, यस। सेकेंड टाइम 12 सेकेंड के टाइम में, मतलब फर्स्ट 6 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, 9 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, करेक्ट। सेकेंड टाइम जब ये कंप्लीट करेगा दोस्तों, इसको 12 सेकेंड के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा होगा, है ना, और ये 18 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा होगा। यानी बीच का जो वक्त है, जब इस रोड में वो लोग है, तब इनके बीच में मुलाकात होने वाला है एक दूसरे के साथ। बिकॉज इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ऑब्वियस बात है घूमते घूमते एक दूसरे को ओवरटेक करेगा ही, ठीक है। अब इसी चीज को समझिए, अगर मैं एक स्थिति दू, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रैक बाई रिलेटिव स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो रहा है आपको, है ना। अगर मैं एग्जाम्पल से समझू इस बात को, लेट से, लेट मी पुट दिस इनटू डिफरेंट वे ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट से इसका मैं स्पीड पकड़ लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड और इसका मैं स्पीड पकड़ लेता हूं 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी देने वाला हूं, बट पहले आप इसको देखिए कि ए का स्पीड में पकड़ लेता हूं 2 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड में पकड़ लेता हूं 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और ट्रैक का लेंथ जो है वो मैं पकड़ लेता हूं, चलो 6 मीटर, है ना, ट्रैक का लेंथ जो है वो मैं पकड़ लेता हूं 6 मीटर। अब मेरा सवाल क्या है, व्हेन दे आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन दे आर गोइंग टू मूव मीट विथ ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पूछना है। तो अगर इस सवाल में आ जाए when they are moving in same direction वाला सीरी है, time taken L equal to U minus V, क्योंकि आपको मैंने दिया कि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है ना, ये बात है। अब देखिए एक का स्पीड बेटा 3 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है ना, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो कौन किसको ओवरटेक करेगा? ऑब्वियसली सर बी ए को ओवरटेक करने वाला है, बी ए को ओवरटेक करने वाला है, तो बी का एक रिलेटिव स्पीड आएगा बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा बताओ फटाफट, तो रिलेटिव स्पीड वो बन जाएगा 3 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। किसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड होगा बेटा? बहुत आसान बात है सर, जो ए है उसके हिसाब से बी का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, यस और नो? तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है, पर सेकेंड में वो बेचारा 1 मीटर ज्यादा जाता है, पर सेकेंड में वो बेचारा 1 मीटर ज्यादा जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल ट्रैक लेंथ क्या है सर, 6 मीटर है, 6 मीटर डिवाइडेड बाय ये रिलेटिव स्पीड करना है, तो 6 सेकेंड्स के बाद ये दोनों पहली बार मुलाकात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर?
after 6 second they are going to meet with each other and that will be the starting point. Yes, Sanjeev, you are correct. In that particular case, this will be the starting point because they are in the same direction. तो सेम डायरेक्शन में पहली मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। अगर मैं बात करूं उल्टा, मेरे दोस्तों, अगर मैं ऐसा स्थिति के बारे में बात करूं जहां पे यहां पे ऐसा एक सर्कुलर रोड है, स्टार्टिंग पॉइंट मानो यहां पे है, एक ए है और एक बी है, लेकिन ए इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में और बी इस तरफ जा रहा है मानो 4 मीटर पर सेकेंड करके, है ना, ऐसा जा रहा है। दोस्तों ट्रैक लेंथ जो है वो 6 मीटर ही है। अब बताइए कि उसको कितना वक्त के बाद फास्ट मीटिंग होने वाले है। तो लास्ट क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में क्या फर्क है? लास्ट क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट में कब मुलाकात होगा और ये क्वेश्चन है पहली बार कब मुलाकात होगा, है ना। सो फटाफट से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो एज पर द केस वन, द फॉर्मूला वन, दे आर सेइंग दैट एल बाई यू प्लस वी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सिस्टम का रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोस्तों? रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वुड बी 4 + 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड दोस्तों इसका स्पीड है और ट्रैक लेंथ भी क्या हो जाएगा? 6 मीटर ही है। तो बहुत आसान है बेटा कि सबसे पहले 1 सेकेंड के बाद इन दोनों का मुलाकात होगा। सो आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर? 6 मीटर बाय 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड, है ना, बहुत आसान है। 1 सेकेंड के बाद एक दूसरे के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला भूलने वाले हो। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस करके ट्रैक लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ first time they are going to meet. And do not just read these formulas. You need to feel it. Okay? आपको ये महसूस करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है. Then only you can crack the question. अब मुझे बताइए, ये है. तो in case of more than two runners, UVW with UV or W meter per second respectively, time taken to meet first time by UVW equal to LCM by time taken to meet फास्ट टाइम ऑफ एनी टू आउट ऑफ थ्री। ये समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए तीनों रनर है यू वी और डब्ल्यू, एक का स्पीड है यू मीटर पर सेकेंड, दूसरे का है वी मीटर पर सेकेंड और तीसरे का है डब्ल्यू मीटर पर सेकेंड, है ना। तो टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम बाई यू वी डब्ल्यू, यानी तीनों एक साथ मुलाकात करेगा, इसका क्या होगा? एलसीएम ऑफ टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी टू आउट ऑफ थ्री। तो कितना नंबर्स आएंगे? तो आप देखो यू और वी और डब्ल्यू, इनमें से कोई भी दोनों का फर्स्ट टाइम मीटिंग क्या क्या होगा? एक तो यू वी का मीटिंग होगा, एक यू डब्ल्यू का मीटिंग होगा और एक वी डब्ल्यू का मीटिंग होगा, है ना। तो ये फर्स्ट मीटिंग जो है, इन फर्स्ट मीटिंग्स का जो भी टाइम आएगा, ये तो आप कर ही सकते हो ना। जब भी दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड आपको पता है तो उसका रिलेटिव स्पीड आप निकाल सकते हो। तो अगर तीन चीज मूविंग है ना, उनमें दो दो करके उनका रिलेटिव स्पीड निकालो और ट्रैक लेंथ को डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपको हर दो पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम, फर्स्ट टाइम मीटिंग का टाइम मिल जाएगा। ऐसा तीन बार आपको फर्स्ट टाइम मीटिंग का टाइम मिलेगा, उनका आप एलसीएम निकालिए, ये जवाब आएगा। मेरे दोस्तों इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये क्लियर होता है तो एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर टू यू विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। इफ इट इज क्लियर टू यू विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। जैसा देखिए ये एग्जाम्पल है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे U को मैंने ले लिया था 8 मीटर पर सेकेंड। अब बस देखो, ऐसा जरूरी नहीं है करना है हमेशा। U को मैंने ले लिया 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर अगर आप करना चाहते हो तो करिए, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, करिए, लेट अस सॉल्व, है ना, सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए दोस्तों। चलो Try to solve this question, मेरे दोस्तों। बंशिका, इसको सॉल्व करिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पे तीनों ऑब्जेक्ट मूविंग है,
दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग, उसका तो एग्जांपल दे दिया, ये तीनों ऑब्जेक्ट मूविंग वाला केस है ना दोस्तों। तो इस एग्जांपल का अगर पिक्चर में बनाऊं तो पिक्चर कैसे बनेगा, पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि सर U, V और W है और ये सर्कुलर ट्रैक है ना। तो इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर लेट U, V एंड W, उसका स्पीड पता है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक भी पता है, तो लेंथ मैं यहां पे लिख लू, लेंथ 400 मीटर है। U, V आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेट से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो U इज मूविंग देयर जिसका स्पीड होता है 8 मीटर पर सेकेंड, V इज ऑल्सो मूविंग देयर जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, W इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो W इस दिशा में जा रहा है दोस्तों, W का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट टाइम कब मीट करेगा, वेन दे आर गोइंग टू मीट फॉर द फास्ट टाइम, वेन When they are going to meet for the first time, when they are going to meet for the first time, तीनों ही एक साथ कब मुलाकात करने वाले हैं, है ना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल सवाल है, 400 by 3 seconds, संजीव is saying 400 by 3 seconds. संजीव इज सेइंग 400 बाई 3 सेकेंड, हाँ 400 बाई 3, 400 बाई 15 रेस्पेक्टिवली, अब उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा, है ना, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पे आपको कि ये तीनों का जो दो दो करके कंपेरिजन हो रहा है उसके बीच में आप, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बताइए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा, है ना। सो अब देख सकते हो इस सवाल को अगर हम देखें तो टाइम टेकन बाय यू एंड वी टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज दिस मच सेकंड, ठीक है, टाइम टेकन बाय वी एंड डब्ल्यू टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज दिस मच सेकंड, यस और नो। सो टाइम टेकन बाय यू वी डब्ल्यू टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी एलसीएम ऑफ 400 by 3 by 400 by minute. Try to understand this. So, how should we do this? My friend, let us try to understand this again. तो आपने U और time taken by U and V to meet for the first time आपने देख लिया, क्योंकि E, V, U, V का direction same है, और दूसरे type में V और W का जो है first time meeting का time आपने देख लिया, वो क्या हो जाएगा 400 by 15. So, answer should be what? Answer should be LCM of LCM of 400 and 400 और नीचे क्या होगा GCD of 3 and 15। ये बात देखिए, ये समझने की कोशिश करते हैं, टाइम टेकन बाय यू एंड वी टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आपने वो टाइम निकाल लिया, एंड टाइम टेकन बाय वी एंड डब्ल्यू टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ये आपने निकाल दिया, इन दोनों का एलसीएम निकाला आपने तो काम चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यू और डब्ल्यू का भी निकालो, ये भी एक वैलिड रास्ता है, ये नहीं कह रहा हूं कि इससे आंसर नहीं आएगा, जो मैंने आपको कहा था ये भी वैलिड है, लेकिन तीनों करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू वी का जो मल्टीपल होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यू डब्ल्यू का सॉरी वी डब्ल्यू का जो मल्टीपल होगा, मानिए यू वी का जो मल्टीपल होगा और वी डब्ल्यू का जो मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली यू डब्ल्यू का वही मल्टीपल होगा। Is that clear to all of you? अगर आप तीनों चीज का LCM निकालोगे जो होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि factors are U, V, W, वो दोनों चीज का करने से ही एक ही होगा, तो बात समझ लीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कि तीनों ही करने का, आप कोई भी दो को लेकर करिए आपका आंसर हो जाएगा, इसका कारण और कोई नहीं, बहुत आसान है, फैक्टर के कारण हो रहा है मेरे दोस्तों। आई वॉन्ट टू रिपीट, U और V सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो मैंने U V का फर्स्ट टाइम मीटिंग का वक्त निकाल लिया, वो आएगा 400 बाई 3, टाइम टेकन बाई V एंड W टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम वो भी हमने निकाल दिया, और ये दोनों कोई भी दो निकालिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा है, एनी टू टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी टू आउट ऑफ थ्री, फॉर एनी टू आउट ऑफ थ्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे U, V और W है, आप U और V निकाल लीजिए और V और W निकाल लीजिए, इन दोनों का LCM ले लीजिए, बात खत्म।
दूसरा एक चीज जानना जरूरी है कि आपको क्या एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला है ऊपर पे एलसीएम और नीचे जीसीडी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी और जीसीडी ऑफ और एचसीएफ ऑफ बी कॉमा डी, दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉर्मूला. एलसीएम ऑफ द टू फ्रैक्शन यू कैन फाइंड इट आउट लाइक दैट. अगर आपको जीसीडी निकालना होगा दोनों फ्रैक्शन का ए बाई बी और सी बाई डी, तो इसका आएगा ऊपर पे जीसीडी और नीचे बेटा एलसीएम. ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा. दैट्स हाउ यू नीड टू फाइंड आउट एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ टू फ्रैक्शन. यू नीड टू यूज दिस. क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एलसीएम और जीसीडी निकालने का ये फॉर्मूला है, ऊपर पे एलसीएम आएगा नीचे जीसीडी आएगा, वही किया यहां पे, है ना. एलसीएम ऑफ 400 बाई 3 और 400 बाई 15, ऊपर पे एलसीएम ऑफ 400, 400 ले लिया, नीचे एचसीएफ ऑफ 3 बाई 15 ले लिया. तो संजीव ने जो कहा दैट इज इक्वल टू 400/3 सेकेंड एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. सो माई फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने दो ही चीज सीखा. पहला चीज सीखा था कि when they are going to meet with each other at the starting point, and the second theory we have learned when for the first time they are going to meet. अगर दो चीजें हैं वो तो बहुत आसान है, एक expertise level का चीज भी आपने सीख लिया. अगर तीन moving object है और उनका direction चाहे कुछ भी हो, वो भी तीनों एक साथ कब फर्स्ट पॉइंट पे मीट करेगा उसका भी आइडिया. क्या कहा मैंने कि सर बहुत आसान है, यू और भी निकालिए, या वी और डब्ल्यू निकालिए, या यू भी निकालिए, यू डब्ल्यू निकालिए, तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी ऐसा दो कॉम्बिनेशन चुन लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा. मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं. सेकेंड आइडिया, ठीक है, करिए. सेकेंड आइडिया इज व्हाट? सेकेंड आइडिया इज दिस माय फ्रेंड, कि एट हाउ, ग्रेट, फाइन. अब देखिए, तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, जो मैंने आपको सवाल पूछा था, एट हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे मीट व्हाइल मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बिकॉज जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट होने से पहले एक बार मीटिंग नहीं हुआ. मैंने आपको जो बताया था याद है आपको, कि स्टार्टिंग पॉइंट में ही पहली बार जाके किसी का स्पीड ज्यादा होगा, किसी का स्पीड कम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में जाके ही पहली बार मीटिंग होगा. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो एक सवाल बन जाते हैं, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होगा बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो देखिए, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपको पता है एलसीएम ऑफ एल बाई यू और एलसीएम ऑफ एल बाई वी होता है, यानी दोनों को जितना वक्त लगता है उसका एलसीएम लेता है, लेते हैं हम लोग. सिमिलरली अगर मैं यहां पे करूं टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वुड बी एल बाई यू प्लस वी. सो यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ट्राई टू अप्लाई दिस फॉर्मूला देयर एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, 8 मीटर पर सेकेंड है और 5 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों, है ना. लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर है. आप जितना भी स्थिति देख रहे हो, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें सारी चीज गिवन है. सीएसआई नेट का एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है, वहां पे ट्रैक लेंथ गिवन नहीं होगा, बहुत सारी चीज गिवन नहीं होगा, तो उसके लिए अलग सा एक टेक्निक जो चाहिए आपको वो मैं आपको बता दूंगा, पहले ये सीख लीजिए. तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यू पता है यानी पहला मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है, वी पता है दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड पता है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक पता है. तो दोस्तों दोनों का कितना वक्त लगता है, जैसा यहाँ पे 6 सेकेंड और 9 सेकेंड वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो आपको पता लग जाएगा. तो जल्दी से आपको ये निकाल में आ जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए उसको कितना वक्त लग रहा है, है ना. उसके बाद टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम मीटिंग जब हुआ है उसका मल्टीपल में मीटिंग होता रहेगा, आया ना बात, समझे हो आप. मैंने सवाल ये पूछा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक इस तरफ मूव कर रहा है और एक इस तरफ मूव कर रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले एक दूसरे के साथ कितने बार मिलने वाले हैं.
तो आइडिया क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए कितना वक्त लगता है, दिस इज द टोटल टाइम, बिकॉज दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इस टाइम को हमने बांटा उस वक्त पे जिन वक्त के बाद बाद मीटिंग होता रहेगा। जितने वक्त के बाद फास्ट मीटिंग, मानो 2 सेकेंड के बाद फास्ट मीटिंग हुआ है, तो 4 सेकेंड में सेकेंड मीटिंग होगा, 6 सेकेंड में थर्ड मीटिंग होगा। तो टोटल टाइम अगर लग रहा है दोस्तों 6 सेकेंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करता है और हर 2 सेकेंड के बाद फास्ट मीटिंग होता, फास्ट मीटिंग मतलब हर 2 सेकेंड के बाद मीटिंग होता रहता है, तो 3 टाइम्स विल कम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? सो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस कंसेप्ट यू कैन गेट 13 इज द आंसर। यू कैन गेट, देयर इज सम मिस्टेक्स इन दिस और वट एवर यू कैन से, जस्ट यू कैन राइट 13 ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। 400 and 400 will cancel out and we are going to get 13. Is that clear to all of you? More than this formula, this concept is clear. Sanjeev, is that clear to you? कि जो total times आपको एक track को complete करने में लगता है, उस time को हमने हर meeting के time से divide कर दिया. Yes? Good. बहुत खूब. Now, ये तो आपको पता ही है, रेगुलर में आपको बताता हूं, आपको पता है आईएफएस एप्टीट्यूड में जो जो सर्विसेज आपके लिए बनाया गया है, यानी जिसका उपयोग आप आपके एग्जामिनेशन में कर सकते हो, उनमें से रिकॉर्डेड कोर्स हो जाता है, लाइव कोर्स तो आपको पता है आप जब भी आईएफएस लाइव कोर्स लेते हो तो उसमें आपको मिलता ही है, उसके अलावा स्टडी मटेरियल्स होते हैं। सो एंड ऑफलाइन में अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपको ऑफलाइन में क्लासेस मिलता है, जैसा मैं ऑफलाइन में अभी क्लास ले रहा हूँ, तो ये सारे सुविधाएं हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, एट हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे मीट व्हाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बात सेम ही है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में होगा तो मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम का बस चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव स्पीड चेंज होगा, तो मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी एल बाई यू माइनस वी, जहां पे वहां पे एल बाई यू प्लस वी हुआ था, in that case it will be l by u minus p, rest of the concepts will be absolutely same, the total time taken to complete the whole track divided by the time taken for the first meeting. My friend, if we solve this question what will happen, tell me answer kya ho jayega? 8 minus 5 3 hoga, answer bataiye patapat se. Let us try to solve this question, let us try to apply this knowledge in this particular question, let us try to answer apply this knowledge in this particular question. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 टाइम्स दे आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि डू नॉट जस्ट रोट द फॉर्मूलस माई फ्रेंड, अभी मैं सवाल दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो 400/8, 400/5, दिस इज द टोटल मीटिंग पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग पॉइंट, सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट, क्या हो गया यहाँ पे, कुछ गलती किया क्या मैंने, 3 होना चाहिए ना जी, 3 होना चाहिए, टाइपो एरर हो गया है ना, 3 होना चाहिए, बिल्कुल, यू पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 मीटिंग्स, सो दिस विल हैपन, राइट? नाउ माय फ्रेंड, दिस इज अनदर क्वेश्चन, इवन इन द केस ऑफ मोर देन 2 रनर्स द प्रोसेस रिमेन्स सेम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज u इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, w इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 400 मीटर पर सेकेंड, u एंड v आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन and w is moving in the opposite direction, so number of meeting points क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। बात सेम ही है, देखो नीचे फास्ट मीटिंग का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, फास्ट मीटिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति में हाउ टू गेट द फास्ट मीटिंग आइडिया, एंड मैंने ये भी आपको बताया था कि तीनों ऑब्जेक्ट है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो बस सिंपल बात है, कंसेप्ट तो सेम है, द टोटल टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट divided by each individual meeting's time. So my friend, the answer would be 3 again. As per the calculation, you can calculate it, 3 meet will happen. So I hope you are now knowledgeable enough. जो चीज जरूरी था
अभी तक सर्कुलर ट्रैक का प्रॉब्लम ऊपर ऊपर कर रहे थे हम लोग, आज के बाद यू हैव द कंप्लीट नॉलेज, इसके बाहर ना तो कुछ होता है, इसके बाहर ना तो क्वेश्चन बन सकता है। सो आप कह सकते हो आज सैटरडे का सेशन है, वैसे ही कम बच्चे आए हैं, पता नहीं सैटरडे बच्चे, या फिर मैंने हमेशा एक चीज देखा, जब मंडे में सेशन शुरू होता है बहुत बच्चे होते हैं, हर सेशन में, हर वीक में, हर चैनल में सैटरडे तक बच्चे कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये होता है। बट द पॉइंट इज दैट कि आई होप टूडेज लेक्चर इज वेरी क्रूशियल। इफ समबडी हु इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट जून 2024, सर्कुलर ट्रैक का कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर के बाद मिस नहीं होना चाहिए। सो आई होप नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। इस सवाल को करिए, मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट बिफोर दैट लेट मी नो दिस। What is the answer of this particular question? What should be the answer of this particular question? What should be the answer of this particular question, my friend? तो मानिए इतना ज्ञान होने के बाद एग्जाम का सवाल हमेशा ऐसा क्यों होता है सर, जो हमारे सारे ज्ञान को गलत प्रूफ करने के लिए लगे होते हैं? क्योंकि हमने जितना भी ज्ञान जाना, हमने जितना भी स्टोरेज किया हार्ड ड्राइव में, उन सारे तमाम स्टोरेज में जो फॉर्मूलस हमने रटा, सारे स्टोरेज में सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही था। आप एग्जाम हॉल में गए हो, आपने देखा सर स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज कर दिया। एक का स्टार्टिंग पॉइंट बेटा ये है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट मींस एक सर्कल होता है उसका डायमीटर बराबर, अगर कोई यहां पे खड़े हैं तो दूसरा यहां पे खड़े हैं, इन द सेम डायरेक्शन मींस अगर ए भी इस दिशा में घूमते हैं तो बी भी इस दिशा में घूमते हैं। ए का स्पीड बताया गया है जी 8 किलोमीटर पर आवर, ए का स्पीड बताया गया है जी 8 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड बताया गया है 6 किलोमीटर पर आवर। ए कैचेस अप विद बी इन 30 मिनट्स, ये भी बताया गया है, ए कैचेस अप विद बी इन 30 मिनट्स, ये भी बताया गया है। सो देन व्हाट विल हैपन, यू नीड टू थिंक बाय योरसेल्फ, क्या होगा जी? ठीक है, व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड, हाउ यू विल सॉल्व दिस? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एग्जाम क्वेश्चन? देयर इज नो प्रॉब्लम विद द एग्जाम क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज देयर विद अस, कि हम फॉर्मूला को जब पढ़ते हैं मैथ्स में तो बस ये ध्यान दे रखते हैं कि मुझे एल पता होगा, यानी एल क्या था, एल था ट्रैक लेंथ, मुझे यू पता होगा, मुझे वी पता होगा। इन लोगों ने क्या किया, पहली बात दो चीज, एग्जाम हॉल में यही चीज होता है, पार्ट सी में भी यही चीज होता है, जो आपका जान पहचान वाला बात है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दिया जाता है। कैसा चेंजेस? पहली चेंज ये हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया गया, दूसरा चेंज ये है यू और वी तो बताया गया लेकिन एल नहीं बताया गया सर। सो हाउ यू विल यूज फॉर्मूलास माई फ्रेंड, राइट? अब तो कॉमन सेंस अपनाना पड़ेगा, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक नॉर्मल तरीका है कैलकुलेटिव मेथड जिसमें कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू पकड़ के उसके लिए भी कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। मान लो इस ट्रैक का लेंथ जो है वो एल है, नहीं पता है कोई बात नहीं बेटा, कंसेप्ट तो है ना आपके पास,
अब ए जो है ए को कितना वक्त लगेगा बताओ, ए को कितना वक्त लगेगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 30 मिनट के अकॉर्डिंग ए चार ऑप्शन मेथड, नहीं मुझे बताइए कंसेप्चुअली पहले कि ए को कितना वक्त लगेगा। ये मानो एल किलोमीटर है लेंथ ऑफ द ट्रैक, ट्रैक लेंथ, एल किलोमीटर जो है ट्रैक लेंथ है, एल किलोमीटर ट्रैक लेंथ है, तो इसका स्पीड है 8 किलोमीटर पर आर बेटा। तो ए को जो वक्त लगेगा वो लगेगा एल बाई बी, सॉरी एल बाई एट, इतना आर्स, करेक्ट यस और नो बताइएगा जी। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखने आए हो आप लोग, है ना। ए एल बाई एट आर्स आएगा, बी के लिए कितना वक्त लगेगा बताओ, बी के लिए वक्त लगेगा एल बाई 6 आर्स, ठीक है, एम आई करेक्ट। आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, यानी एल निकालना है, और ये भी बताया जा रहा है ए कैचेस अप विद बी आफ्टर 30 मिनट्स, है ना। यस यस यस, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो ए कैचेस अप विद बी आफ्टर 30 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब 30 मिनट के बाद ए के साथ बी का मुलाकात हुआ है, यस और नो। 30 मिनट के बाद ए के साथ बी का मुलाकात हुआ है, सो माई फ्रेंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या मुझे कह सकते हो कि अगर पुराने फॉर्मूलर्स जो है उसके साथ इसका ताल्लुकात क्या है, क्या मैं इसको तालमेल कर सकता हूं, जो हमने फॉर्मूला जाना उसके साथ ये आप बना सकते हो उस फॉर्मूले से, क्या आप वो बना सकते हो, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या था फास्ट मीटिंग का, सर फास्ट मीटिंग का फॉर्मूला था, फास्ट मीटिंग का फॉर्मूला था, याद है किसी को व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फास्ट मीटिंग माय फ्रेंड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टोटल लेंथ एल बाई यू प्लस वी, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एल बाई यू माइनस वी, यही था ना एल बाई यू माइनस वी। तो क्या मेरा सवाल है, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो इस क्षेत्र में, क्या आप इस फॉर्मूला को इस क्षेत्र में यूज कर सकते हो जी, क्या आप इस फॉर्मूला को इस क्षेत्र में यूज कर सकते हो जी, ये मेरा सवाल है। हाँ या ना, क्या इस फॉर्मूला को आप इस क्षेत्र में यूज कर सकते हो जी, और अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, अगर कैसे कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे बताइए जी। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग है, सो हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला माय फ्रेंड। एनीबडी, कोई चालाकी दिखा सकते हो, ये समझा सकते हो, ये सोचिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है, हर होमवर्क का आंसर नहीं आता है, आप ये होमवर्क में सोचिए। सर रेफरेंस को चेंज करेंगे, संजीव सोचिए, ये आपके लिए होम टास्क है, इट इज अ गुड होम टास्क, इसके ऊपर आप सोचिए। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं वो अलग बात है, मेरा टारगेट आपने समझ लिया कि क्या इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो, इसका जवाब मैं, अच्छा नेक्स्ट वीक में तो नहीं है मेरा लाइव, कभी दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, लेकिन ये आपके लिए होम टास्क है। अगर कोई सिचुएशन चेंज हो सकते हैं तो क्या आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, उतना नॉलेज आपके पास बने हैं क्या, ये आपके लिए होम टास्क है। जो मैं कह रहा था आपको कि इस सवाल को करना कैसे है, देखिए ए और बी का अगर टाइम आप निकाल लेते हो कि एल किलोमीटर जाने के लिए इस बेचारों को कितना टाइम लगेगा और बी को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना,
तो ये दो टाइम अगर आ जाते हैं आपको तो क्या आप कुछ कर सकते हो जी? नहीं कर सकते हो, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद पहला मुलाकात हो रहा है और पहला मुलाकात होने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला वायलेटेड हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस है। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस क्या होगा आप खुद तो रिसर्च करिए, है ना। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है? सर देखो, 30 मिनट के बाद दोनों बेचारा कहाँ पे खड़े हैं? 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ए बेचारा जो है वो 4 किलोमीटर जा चुका है और बी बेचारा जो है वो 3 किलोमीटर जा चुके हैं। यानी ये लोग कहना चाहते हैं कि 4 किलोमीटर चलने के बाद ए जहां पे जाएगा और 3 किलोमीटर चलने के बाद बी जहां पे जाएगा, इन दोनों के बीच में मुलाकात होने वाला है, ट्रैक लेंथ क्या होगा? आपको क्या करना है? बहुत आसान है, आप यहां से ट्रैक लेंथ को पकड़ लीजिए। मानिए टोटल ट्रैक लेंथ अगर 1 किलोमीटर है, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर टोटल ट्रैक लेंथ अगर आपका 1 किलोमीटर है, टोटल ट्रैक लेंथ अगर 1 किलोमीटर है, यहाँ पे ए खड़े है, यहाँ पे बी खड़े है ना। टोटल ट्रैक लेंथ अगर 1 किलोमीटर है तो ए 4 बार घूम के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। टोटल ट्रैक लेंथ अगर 1 किलोमीटर है, बी 4 बार घूम के 3 बार घूम पे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, यानी 1 किलोमीटर ट्रैक लेंथ होगा तो बी यहाँ पे खड़े होंगे और ये यहाँ पे खड़े होंगे, जो बिल्कुल सेम पॉइंट नहीं है। तो मेरे दोस्तों, विच इज नॉट करेक्ट। इफ आई विल टॉक अबाउट 4 किलोमीटर, माई फ्रेंड, आप देख सकते हो 4 किलोमीटर ये बेचारा जाएगा 30 मिनट में, तो 4 किलोमीटर क्रॉस करके ए स्टार्टिंग पॉइंट में ही खड़ा होगा। लेकिन बी के बारे में अगर कहूँ, बी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 3 किलोमीटर करीब करीब यहाँ पे होगा। अगर टोटल 4 किलोमीटर होगा तो बी 3 किलोमीटर क्रॉस करके यहाँ पे खड़े होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर मैं टोटल लेंथ को 3 किलोमीटर पकड़ लूं तो ए भाई साहब पूरा क्रॉस करके 3 किलोमीटर को कहीं पे यहाँ पे आके तो खड़ा होगा क्योंकि 4 किलोमीटर गए हैं, लेकिन बी भाई साहब क्योंकि वो 3 किलोमीटर जाते हैं, बी भाई साहब क्योंकि वो 3 किलोमीटर जाते हैं, तो बी टोटल को क्रॉस करके एकदम बी के ऊपर खड़ा होगा, तो दोनों का पॉइंट बिल्कुल अलग होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी रह जाते हैं 2 किलोमीटर। तो अगर आप ए के बारे में सोचोगे, ए 4 किलोमीटर जाएगा यानी 2 बार घूमने के बाद, 2 राउंड्स के बाद ए स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा होने वाले हैं, और अगर मैं बी के बारे में बात करूं, बी 3 किलोमीटर जाएगा, तो 2 किलोमीटर एक बार तो गया, 2 किलोमीटर जाने का अर्थ है टोटल 1 राउंड कंप्लीट करना। करने के बाद मेरे दोस्तों, आपको पता है क्योंकि 2 किलोमीटर टोटल लेंथ है तो हाफ ऑफ द लेंथ 1 किलोमीटर है, तो 2 + 1 वो 3 किलोमीटर जाने वाले हैं। Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? ठीक है। So, तो आपको मैं थोड़ा सा क्लू देकर रखता हूं, जो स्टार्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करने वाले हो। बेटा देखो, ये बात है, इस पॉइंट में जहां से ए स्टार्ट करने वाले हैं, ए और बी का मिलन वहां पे हो रहा है ना, ए और बी का मिलन वहां पे हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि सर बी अगर यहां से शुरू कर रहा है, उस इंस्टेंट को ना सोचकर, बी जब यहां से शुरू कर रहा है उस इंस्टेंट को सोच के कुछ किया जाए, तो समझ में आ गया, वो काम आप ट्राई करिएगा। कभी कभार थोड़ा सा रिसर्च भी करिए पढ़ाई के साथ साथ, तब भी बनेगा नॉलेज। इस क्वेश्चन को करिए। फिर से एक सवाल CSIR नेट का है, जो CSIR नेट जून 2021 में आए हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको चालाकी दिखाना पड़ेगा। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली। स्पीड ऑफ बी इज 2/3 दैट ऑफ ए। हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप जो आइडियाज आप आज सीखे हो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, अच्छी बात है, सेम डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन, ए इस दिशा में जा रहा है तो बी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग पॉइंट, तो नंबर ऑफ मीटिंग बताने के लिए कहा है। नंबर ऑफ मीटिंग ध्यान रखिएगा, दोनों का डायरेक्शन अलग है, ठीक है।
तो क्या बताया जा रहा है, स्पीड ऑफ बी इक्वल टू टू थर्ड दैट ऑफ स्पीड ऑफ ए। क्या क्या मिसिंग है सर? ट्रैक लेंथ पता नहीं, लापता, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला में एल इस्तेमाल करना होगा, ट्रैक लेंथ लापता है। फॉर्मूला में यू एंड वी इस्तेमाल करना होगा, यानी स्पीड्स, स्पीड्स भी लापता है, लेकिन स्पीड्स के बारे में थोड़ा सा क्लू गिवन है। तो ट्रैक लेंथ मिसिंग है, स्पीड्स मिसिंग है, हाउ विल डू दैट? एक ही चारा है, अगर हम ट्रैक लेंथ और स्पीड पकड़ सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, फटाफट बताइए। क्या आप स्पीड ऑफ ए को 3 किलोमीटर या 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एवर, 3 किलोमीटर पर आवर पकड़ सकते हो? यस और नो? व्हाई सो? बिकॉज टू थर्ड ऑफ थ्री, बहुत आसानी से स्पीड ऑफ बी 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यस, ठीक है। तो आप जब भी कोई चीज मिसिंग होगा, आपको पकड़ना होगा वैल्यू एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, आपको वैल्यू पकड़ना होगा। जैसे लास्ट सवाल में भी हमने क्या किया था, ट्रैक लेंथ यानी एल को पकड़ लिया था, कहां से? ऑप्शन से, ठीक है। तो आपको वैल्यू पकड़ना होगा, दिस इज द ओनली रास्ता आपके पास, और कोई रास्ता है ही नहीं। उसके अलावा अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा फिर तो फॉर्मूला मुश्किल है और भी, तब कॉमन सेंस ही सब कुछ है, राजा है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बी है, 3 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ ए है। आपको ट्रैक लेंथ भी पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये लोग लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी ट्रैक लेंथ चाहे कुछ भी पकड़ लीजिए आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो बेटा आप क्या पकड़ना चाहते हो ट्रैक लेंथ? सर ओ बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट दिए है तो 4 होगा। यस 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 यस, वेरी गुड, 4 होगा। मुझे बताइए फटाफट कितने मीटिंग्स हो रहा है, फॉर्मूला लगाइए। तो आप एल को क्या पकड़ना चाहते हो? एल को ऐसा पकड़ो जिसको डिवाइड कर सकते हैं ना, एल को 6 किलोमीटर पकड़ लो। तो मीटिंग्स का फॉर्मूला क्या था सर? मीटिंग्स का नंबर था, अगर आपको याद है, ऊपर पे था एलसीएम ऑफ एल बाई यू एल बाई वी, यानी दोनों का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में मीटिंग का फॉर्मूला है वो वाला, है ना, डिवाइडेड बाय क्या था दोस्तों, यही था ना, अरे सॉरी, यस और नो, स्टार्टिंग पॉइंट में मीटिंग का फॉर्मूला क्या था बताइए? सो दैट डिवाइडेड बाय दैट, आपको दोनों चीज का करना है, यानी एल बाई यू प्लस वी, यही था। यस और नो, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों, मीटिंग का जो भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था आज वहां पे, देखिए दिस वॉज द फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ एल बाई यू बाई एल बाई वी डिवाइडेड बाई एल बाई यू प्लस वी, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वही लिखा हम लोगों ने। सो अब फटाफट से निकाल लीजिए, ठीक है, व्हाट विल हैपन? सो एलसीएम ऑफ एल बाई यू यानी 3 आएगा, यहाँ पे 6 बाई अगर आप करते हो तो एलसीएम ऑफ 6 बाई यू यानी मानो 3 है और वो मानिए आप 2 है, और नीचे क्या आएगा 6/5, है ना। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लगा के आपको 5 टाइम्स मीटिंग आ जाएगा, बट आपको पूछा जाए कि पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर स्टार्टिंग एट द मीटिंग पॉइंट। तो बिफोर स्टार्टिंग एट द मीटिंग पॉइंट कहा जा रहा है, इसका मतलब मीटिंग पॉइंट नहीं आएगा, मतलब मीटिंग पॉइंट कौन होगा? 5 होगा। मीटिंग पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हो तो नंबर ऑफ मीटिंग्स मिलता है टिल मीटिंग पॉइंट्स, तो मीटिंग पॉइंट्स मिलाकर 5 होगा, और मीटिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का मीटिंग को अगर आप छोड़ दोगे तो 4 होगा बेटा। ये तरीका है ना, इसको मैंने बहुत बार ट्रैक लेंथ पकड़ के यहाँ पे घुमा कर भी किया, कॉमन सेंस से वो भी आपने देखा होगा, आज एक नया तरीके से आपने सोल्यूशन देखा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये इसमें सब कुछ पता है, फटाफट करिए। इस बार दिया गया है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सी एस जून 2023।
Chemical Science, June 2023. Let us try to solve this question. बताइए. आप जो जो सीखे हो उसके माध्यम से करने की कोशिश करिए. What should be the answer of it? Very good, Sanjeev. Sanjeev, you have used the common sense, which I, you know, well, I don't like formulas. So I'm a supporter of common sense, but मुझे लगा ठीक है. Circular track का problem करा रहा हूँ तो आप लोग को बता देता हूँ. Common sense से संजीव ने किया और बहुत ही अच्छे से उनको आ गया. तो संजीव घर में ये भी सोचिएगा, क्या उस formula को इस्तेमाल करना सही रहेगा? कर पाओगे इस क्षेत्र में? शायद ना. तो my friend, what should be the idea? कि अगर टोटल सर्कुलर ट्रैक लेंथ जो है वो 3600 मीटर है, 3600 मीटर है. आपने देखा ए और बी दोनों एक ही जगह से शुरू किया, सेम पॉइंट सेम टाइम, एंड डायरेक्शन क्या होगा जी? क्लॉकवाइज. तो दोनों का ही डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. ए का स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और बी का स्पीड जो है दोस्तों वो 1080 सेकेंड. वेरी गुड. बी का स्पीड जो है दोस्तों 6 मीटर पर सेकेंड. आपको बताया गया है कि पहली बार ए कंप्लीट करने के बाद, मानो ए पहला सर्किल कंप्लीट करके यहां पे आएगा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा. अब सिंपल बात है मेरे दोस्तों, आप एक काम करिए, देखो ए को कितना वक्त लगता है. ए को वक्त लगता है 3600 डिवाइडेड बाई 4, इतना सेकेंड. यानी ए को वक्त लगता है 900 सेकेंड. 900 सेकेंड वक्त ए को लगने वाला है. और बी को कितना वक्त लगेगा? 3600 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 600 सेकंड. ठीक है ना? सिंपल बात है. तो मेरे दोस्तों 900 सेकंड के बाद ए भाई साहब यहां पे आएगा और बी बेचारा तो 600 सेकंड में ही इसको क्रॉस कर चुका है. तो 900 सेकंड के बाद बी कहां पे खड़े हैं? बहुत सिंपल बात है. देखो 900 सेकंड में ए यहां पे आएगा, B 600 सेकेंड में क्रॉस कर चुका है, तो B ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है. B कितना दूर जाएगा? देखो यार, B 600 सेकेंड में अगर टोटल जाते हैं 3600 मीटर, तो B उसका हाफ यानी 300 सेकेंड में जाएगा 1800 मीटर, यानी उसका हाफ जाएगा. तो B इसको क्रॉस करके यहां पे आ जाएगा दोस्तों. लास्ट क्वेश्चन जैसा स्थिति है, B यहां पे खड़े हैं 900 सेकेंड के बाद और ए यहां पे खड़े हैं. अब ए इस तरफ आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में और बी इस तरफ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड में. आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए. 4 प्लस है यानी रिलेटिव स्पीड आपको पता है. रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों ही भाग रहा है, दौड़ रहा है. स्पीड हो जाएगा 4 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड यानी 10 मीटर पर सेकेंड. दोनों ही भाग रहा है. कब मिलने वाले हैं? जब भी मिलने का वाले है, ये दोनों मिलकर 1800 मीटर क्रॉस करेगा. क्योंकि ये भाई साहब ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है. दोनों को मिलन, दोनों का मिलन के बाद आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां का जो ट्रैक था वो कवर होने वाला है, यानी 1800 मीटर कवर होगा. सो द टाइम टेकन बाई देम टू मीट विथ ईच अदर शुड बी इक्वल टू 1080. दैट इज द सॉरी डायरेक्टली आंसर बता दिया मैंने. दैट इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड. क्योंकि यहां से यहां तक जो दूरी है वो 1800 मीटर है और 10 मीटर पर सेकंड में उसको तय करने के लिए 180 सेकंड लगता है. तो आप ध्यान दीजिए, पहले 900 सेकंड आ गया था, 900 सेकंड के बाद ये यहां पे खड़ा था और बी यहां पे खड़ा था, उससे भी 180 सेकंड के बाद
आप दोनों का मुलाकात होने वाला है। सो दिस इज द थिंग माय फ्रेंड, वन इज नॉलेज, अदर इज एप्लीकेशन, देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन देम। आज चलो मैंने प्रूफ भी कर दिया, कुछ फॉर्मूला जो अवेलेबल होता है दुनिया भर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। दैट्स वाई इन माई टीचिंग आई डोंट एम्फसाइज ऑन फॉर्मूलाज मच, आई एम्फसाइज ऑन कॉमन सेंस मोर, बिकॉज दोज क्वेश्चन इन सी एस आई एंड नेट आर नॉट फार्मूला बेस्ड। ठीक है जी, ऑल्दो आपको फार्मूला बहुत पसंद है तो मैं आज फार्मूला बता दिया आप लोगों को। आई होप आपको खुशी हुई होंगी कि बहुत सारे फार्मूलाज आपको पता लग गया, बट एट द टाइम आपने ये भी देखा क्वेश्चन करने के वक्त पे उन फार्मूलाज को ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।